बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। बारिश शुरू हो गई है और काफ़ी अच्छा मौसम है और रोज़े तकरीबन बारिशों में गुजरे। क्यों जला जी, क्या ख्याल है? रोज़े कितने रखे? दो। क्यों रखे? वजह दो ही रखने हुए हैं। नहीं, ज्यादा क्यों नहीं रखे? अभी तो बारिशें हो रही थी। शहरी में कोई उठाते नहीं है। उठते हो? रखते नहीं हो। और यहाँ पे जरवा भी मेरे साथ एंजॉय कर रही है। क्यों जरवा? इधर ये इसकी यही मर्जी है कि मुझे बाहर जाने दे, मैं बारिश में घूमूं फिरूं खेलूं। लेकिन इसको डांट पड़ी अभी यहाँ पे खड़ी है हमारे पास। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो ओले पड़े थे वो कम पड़े हैं थोड़े से, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसे गंदम का नुकसान हो जाएगा अगर इसी तरह ओले पड़ गए तो ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद होगी आप खैर से हैं। यहाँ पे बारिश लगी हुई है और साथ में सूरज भी है। आपको दिखाते हैं, आप भी बताएं ये कौन सा मसला है। आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे बारिश लगी हुई है। ये देखो ऊपर धूप भी है, ये काले बादल हैं। ये देखें ये बादल हैं, वो सूरज भी है सामने। यहाँ पे देखें साफ बारिश बहुत तेज़ लग गई है। मैं साइड पे खड़ा हुआ हूँ। ये देखें मुर्गे भी यहाँ से अपने घर अपने खुले में जा रहे हैं। अभी इफ्तारी का टाइम हो रहा है, अभी चलते हैं अपने किचन में क्या बन रहा है। ये देखें यहाँ पे पापड़ बने हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें पापड़ बने हुए हैं और अभी सालन रेडी नहीं है। ये देखें यहाँ पे पकौड़े पक रहे हैं, तो वो वहाँ पे हमने डाले हुए हैं तेल में, और अभी सालन ही रेडी। चलते हैं। अब इफ्तारी वगैरह हम कर चुके हैं तो यहाँ पे बैठी हूँ। नाबिया मेरे पास है, ये कुछ कहना चाह रही है। बोलो नाबिया, क्या कहना है? आज सोने का टाइम हो गया। आज फ्लैट बन के सोने की तैयारी करनी है। सोने की तैयारी करेंगे अभी, तो फिर सुबह उठेंगे, नाश्ता खाएंगे, फिर से आराम में सोने के टाइम अफतारी करते जाते हैं, पीते जाते। देखिए इनको कितना फ्लॉगिंग का शौक है। बस 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 बस, खैर है खैर है। बस बस बस, थोड़ा हंसते थोड़ा। चलो अभी सुबह का टाइम है, स्कूल जाने की तैयारी हो गई है और नाबिया भी तैयार हो रही है। आज धूप निकल आई है लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी ठंडी हवा है और धूप निकल आई है, पता नहीं कैसा दिन रहेगा। अच्छा ही होगा, कल बारिश भी हुई थी काफ़ी। आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना हुआ है, ये कब का सिलाई करवा के रखवाया हुआ था। अभी दरमियाना मौसम है ना, अब इसी को इन दिनों कोशिश करूँगी पहनूँ, फिर आगे गर्मी ज़्यादा होगी तो फिर पहनने नहीं होगा। साथ ये मैचिंग शूज। ये क्या अंजला, ये क्या कर रही है? लेट हो गया, लंच क्यों रखा? कब था? पहले रखा था। ओ, पहले रखा था। आए मैं पानी वाली बोतल लियो लियो लियो। नबिया रोज लेट होती है, हाथ में रोटी उठाई होती है। ऐसे ही है, बोला था रात को, बोला था लेट नहीं होना। आ जाओ जल्दी से आओ। अंजला भाई बाहर चला गया। ये क्या सर पे लगाया हुआ है? ये सर पे क्या लगाया हुआ है नबिया ने? क्या लगाया? इधर मुंह करके बोलो जरा। कैचर। कैचर बढ़िया। आपा आपा बनी। कितना शौक है इसको, कभी स्टाइल हो दिखाओ जरा स्टाइल। देखे ये रोज मामा से बनवाती है स्टाइल, बहुत शौक है इसको। आज जूड़ा बनवाया हुआ इसने, रात को बनाया था। चलो चलो जी, गाड़ी आ गई है, जल्दी जल्दी करो जल्दी करो। शाबाश। आज कैसा दिन था नाबिया का? आज मैं उसकी क्लास में गया था। फिर क्या हुआ? फिर वहां पे बैठी हुई थी मैम के पास। मुझे देखे ही नहीं। नहीं देखा था भाई को।
देखा था भाई, तो मुझसे बातें नहीं की। भाई नहीं की, की नहीं करते वहाँ पे, क्लास में नहीं बातें करने देते ना। चलो आओ। वो क्या चीज़ ये सॉक्स किसी की पड़ी हुई है, बिस्मिल्लाह आराम से। ये चीज ये सॉक्स किसी की लगता है, कपड़े उठा के ले गए ना तार से, वो रास्ते में रहेगी। अभी शाम का टाइम है और मैं उठी हूँ, तकरीबन असर का टाइम हो रहा है। आई हूँ तो ये मुर्गा भूखा है, देखें मेरे पास आ रहा है। ये देखें, अगर चोंचे मारता है। चलो इसको दाने डालते हैं। आ जा, भूखा है ना भाई का मेरे पास। ये शॉपर के अंदर दाने को देते हैं। ये मुर्गी बुला रहा है, मुर्गी कुड़क बैठी हुई है। मुर्गी को मेरे ख्याल से अब बैठाएंगे अंडों पे और बच्चे वगैरह निकलवाएंगे। और ये अब अकेला मजनू घूमता है। अंधला क्या कर रहे हो बेटा? पालक काट रहे हो, धनिया भी काटा है। वाह जी वाह, अपने घर की होगी है ना सब्जी। पालक सब्जी होती है क्या? होता है जो भी कह ले। ये ऐसे नहीं काटते अंधला, गलत तरीके से काट रहे हो। पालक काटने का बेहतरीन तरीका इसको पहले साइड उठा लेना। ये इसको ये पकड़ा और ये ऐसे काटा, ऊपर ऊपर से नहीं काटते, बहुत नीचे से भी नहीं, कि जड़ों से भी। ये भी गिरी हुई है ना, वरना पूरा पौधा हो ना ऐसे ऊपर। इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के ना ऐसे, इतनी काफी है। काफी है, अब पुदीना काटने। पुदीना काट, वो पत्ते उतारने। ये पालक काट के दिए अंधला को, अभी दोबारा ये फट्टा वगैरह इस पर रख देती हूँ। और कहता है पुदीना काटना है, काटना नहीं होता इसमें, उतारना है इसके पत्ते वगैरह ना उतारने। अच्छा ये देखें, इसे पुदीना भी ऐसे जैसे ना मुड़ गया ऊपर से। ऐसी सिचुएशन जो नुमान भाई के घर आड़ू लगा हुआ है ना, दोनों आड़ू के पौधे उनकी होगी, उनको तेला लग गया है और इसको भी मेरे ख्याल से लग रहा है। ये इन चीज़ों को जल्दी तेला लगता है। अब इनके पुदीने के पत्ते उतारते हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े माशाल्लाह से। अच्छा अंधला कह रहा है दूसरा उतारना है, तुम बोलो ना, बोल दो ना कि पप्पो ये वाला नहीं उतारना, दूसरा उतारना है। मुझे इशारे कर रहा है बैठा के ये वाला नहीं करना। ये वाला उतारना है। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल खूबसूरत अच्छी वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स कराना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।